गुरु गोरक्षनाथ आरती समिति के तत्वावधान में गुरु गोरक्षनाथ घाट पर भव्य दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीण विधायक विपिन सिंह, उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष अंजू चौधरी, समिति के अध्यक्ष पार्षद संजय श्रीवास्तव सहित भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। आपको बता दें कि आरती समिति के द्वारा 21,000 दीप जलाकर भव्य दीपोत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिस तरह अयोध्या में 9 लाख दिया जलाकर दिवाली मनाई गई, उसी तर्ज पर गुरु गोरक्षनाथ घाट पर 21,000 दीप जलाकर पूरे घाट को रोशन किया गया तथा स्कूल के छात्राओं द्वारा रंगोली भी बनाई गई है, जो कि आकर्षण का केंद्र बन रही है। जिसके संबंध में विधायक विपिन सिंह ने कहा कि यह घाट केवल दीपक के लिए ही नहीं है, यहां पर रंगोली के माध्यम से लोगों की प्रतिभा निकल करके सामने आ रही है, जो कि बहुत ही आकर्षक है। उन्होंने कहा कि महालक्ष्मी की कृपा पूरे जनपद वासियों को मिले, यही मेरी कामना है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए आयोजन समिति के अध्यक्ष व स्थानीय पार्षद संजय श्रीवास्तव, ग्रामीण विधायक विपिन सिंह तथा महिला आयोग के प्रदेश उपाध्यक्ष अंजू चौधरी ने कहा। भैया बच्चों को ग्रुप के साथ फोटो लीजिएगा, जब बच्चे बना लेंगे तो ग्रुप के साथ सबका लेंगे। अब चप्पल उतार लीजिए, बाहर चप्पल उतार के आइए। तब जो नौका विहार बनाया था शायद वही है, वही है, वही होगा ना, वही है शायद। और भी पहला बोल यार यार आप सभी का मध्य प्रदेश स्वामी जी के संप्रदाय में इसके लिए नगर विधायक जी से आप बात करिए। मेन रोड में बनवा दिया आजाद चौक से और आजाद इतना कम समय में महाराज जी ने इतना सुंदर पूरा पूरा स्वरूप बहु किया है, उसके प्रति मेरे महाराज जी को धन्यवाद दीजिए। और सुनो बेटा, हमें लगता है कोई काम आपको इतना सुंदर चिड़ियाघर मिल गया, नौकायन मिल गया, प्रेक्षागृह मिल गया, ये घाट इतना सुंदर, महायोगी गुरु गोरक्षनाथ घाट बार देख रहे हैं के तो अभी आपको यहाँ से Yeah.
संजय श्रीवास्तव पार्षद यहाँ के और गुरु गोरक्षनाथ आरती समिति के अध्यक्ष। ये गुरु गोरक्षनाथ घाट माननीय मुख्यमंत्री ने बहुत ही सुंदर हमारे वार्ड में ये बना के दिया है, पूरे गोरखपुर वासियों के लिए एक तोहफा था। यहाँ पे हमने प्रत्येक मंगलवार को आरती प्रारंभ किया था, बनारस की तरफ यहाँ प्रत्येक मंगलवार को आरती होती है। अब पहली बार हम लोग दीपोत्सव का कार्यक्रम में है, बहुत भव्य दीपोत्सव का कार्यक्रम यहाँ कर रहे हैं। आप देखे होंगे कि पूरा यहाँ पर पूरे घाट को रंगोली से बहुत ही सुंदर रंगोली से सजाया गया है। 100 से ऊपर बच्चे इस पूरे घाट पर रंगोली को सजा रहे हैं और पूरा 21,000 दिया को हम लोग सजावट के लिए रखे थे, लेकिन जनता यहाँ पे दिया और अपने घर से लेके आई है। 30 से 40,000 के बीच में यहाँ दीपोत्सव का कार्यक्रम किया जा रहा है। बहुत ही सुंदर आयोजन हुआ है और बहुत ही दर्शक बहुत ही भक्त यहाँ पे जुटे हुए हैं, यहाँ पे कई हजारों की संख्या में लोग जुटे हुए हैं। आज देखिए राप्ती मैया के तट पर महायोगी गुरु गोरक्षनाथ घाट पर महायोगी गुरु गोरक्षनाथ आरती समिति द्वारा यहाँ पर भव्य दीपोत्सव का कार्यक्रम किया गया है और इसमें हमारे साथ उपाध्यक्ष आदरणीय संजय श्रीवास्तव जी, सौ लोग उपस्थित यहाँ पर। हमारी बहनें जो है तमाम रंगोली बनाई है, 500 रंगोली बनाई है और शहर के काफी लोग आए हुए हैं। आपके चैनल के माध्यम से हम आप सभी को बधाई देना चाहेंगे कि मां लक्ष्मी की और प्रभु गणेश जी की कृपा पूरे महानगरी वासियों पर बरसे और पूज्य महाराज जी का आशीर्वाद पूरे प्रदेश को मिलता रहे, यही हमारी कामना है। गोरक्षनाथ समिति द्वारा ये राप्ती नदी के किनारे आज बरुआ वाले दिन दिवाली के दूसरे दिन यहाँ एक रंगोली मैंने 50 रंगोली से लोगों ने भगवान की मूर्ति को और अपनी इच्छा को सामने दिखाया है और हम लोग यहाँ आरती करने के लिए आए हैं और सर लाखों की संख्या में दिया यहाँ जलाया गया है और हम लोग दिवाली के महोत्सव के दूसरा दिन आज से एक तरह से आज से हम लोग का नया साल भी शुरू माना जाता है, क्योंकि आज से फिर सूर्य का वो स्थान बदल जाता है, इसलिए हम लोग इसको बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं और आज इसी का यहाँ पर उत्सव मनाया जा रहा है। सुख शांति और समृद्धि सबके जीवन में आए, यही प्रार्थना है भगवान से।